तेज हवा, तू ही सुने मेरे दिल की दुआ। जंग छिड़ी हो या बम्ब फटा, तू ही मेरे छिपने की जगह। तूने मुझे मुझे है घेर रखा, तूने मुझे मुझे है घेर रखा। मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे। तूने मुझे मुझे है घेर रखा, तूने मुझे मुझे है घेर रखा, तूने मुझे मुझे है घेर रखा। बेपसिया कमजोर हुआ, तू ही सुने मेरे दिल की दुआ। तीर आजमाइश का जब भी चला, तू ही मेरे छिपने की जगह। तूने मुझे मुझे है घेर रखा, तूने मुझे मुझे है घेर रखा। मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे। तूने मुझे मुझे है घेर रखा, तूने मुझे मुझे है घेर रखा, तूने मुझे मुझे है घेर रखा। गुड्डू, डिम्पी, आप क्या कर रहे हो और टीवी में क्या देख रहे हो आप दोनों? मामा, ये ड्रामा देखिए, कितना अच्छा है। लेकिन मामा, ये क्या कर रहे हैं? ये अपने देवता की इबादत कर रहे हैं। मामा, हम ऐसे दुआ क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटा, हम जिंदा और अनदेखे खुदा की इबादत करते हैं और खुदा को ये पसंद नहीं कि हम खुदा को छोड़कर कोई और बुत बनाएं और उसकी इबादत करें। बच्चों, आज की कहानी में खुदा हारून से बहुत नाराज है। हारून ने ऐसा क्या किया है कि खुदा बहुत गुस्से में है? तो मूसा कहाँ है? मूसा तो पहाड़ पर खुदा से बात कर रहा है। हारून ने क्या किया है, खुदा क्यों नाराज है, ये तो हमें पता चलेगा कहानी से। तो चलें चल के सुनते हैं आज की कहानी। बच्चों, खुदावंद का बंदा मूसा पहाड़ पर खुदावंद के पास गया और खुदावंद ने मूसा को दो लोहे दी जिस पर 10 हुक्म लिखे हुए थे और खुदा ने ये 10 हुक्म अपने हाथों से लिखे थे और मूसा को दिए ताकि उसकी कौम इन हुक्मों पर अमल करे। बच्चों, ये सारे लोग हारून के पास आए और हारून से कहने लगे, मूसा जो हमको मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया पता नहीं कहाँ गया। जबकि बच्चों, मूसा तो पहाड़ पर खुदावंद के साथ था, वो तो खुदावंद के साथ रफाकत रख रहा था और ये लोग हारून को कहते हैं पता नहीं मूसा कहाँ गया। और फिर उन्होंने हारून से कहा कि तू हमारे लिए एक देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले। और बच्चों, हारून ने इन लोगों को मना नहीं किया बल्कि कहा कि तुम्हारे कानों में जो सोने की बालियां हैं और तुम्हारी बीवियों के कानों में
लड़कों के कानों में, लड़कियों के कानों में जितनी बालियां हैं उन सबको उतार कर तुम मेरे पास लाओ। जिस तरह हारून ने इन सब लोगों को कहा था कि सोने की बालियां अपने कानों से उतार कर मेरे पास लाओ, तो सब लोग सोने की बालियां अपने कानों से उतार उतार कर हारून के पास लाए। हारून ने सारी की सारी सोने की बालियां ली और उनको आग में डाला, और जब वो सब बालियां आग में डल गईं, तो फिर उससे बड़ा अजीब सा एक बछड़ा बन गया, यानी कि एक बुत बन गया। और जब उन्होंने आग में से उस बछड़े को यानी बुत को निकाला, तो फिर वो सबके सब कहने लगे, ये तुम्हारा खुदा है जो तुमको मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया है। जबके बच्चों, खुदावंद खुदा उनको मुल्के मिस्र से निकाल कर अपने जोरे बाजू से लाया था, और खुदा उनसे मोहब्बत करता था, पर ये लोग इस बुत को कह रहे थे कि तू हमारा खुदा है, और खुदा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। और जब खुदा ने देखा कि लोग बुत की इबादत कर रहे हैं, तो खुदा ने मूसा से कहा, मूसा लोग नीचे बिगड़ गए हैं। और फिर तो बच्चों, मूसा जल्दी 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 पहाड़ से नीचे उतरा और सबको देखकर कि लोग बुत की इबादत कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो मूसा को तो बहुत ही गुस्सा आया, बेहद गुस्सा आया। उसके हाथ में जो 10 अहकाम की लिखी हुई लोई थी, उसने गुस्से में उन लोगों को पटक दिया और बच्चों वो लोहें टूट गईं। खुदावंद को तो इन लोगों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, बहुत ज्यादा खुदा इनसे नाराज हुआ, और खुदा ने मूसा से कहा, मूसा तू दरमियान से हट जा, मैं अभी और इसी वक्त इन सारे लोगों को मार डालूंगा, मैं उन्हें अभी खत्म कर दूंगा। पर बच्चों, मूसा ने खुदावंद से कहा, नहीं खुदावंद, नहीं, तू इनको नहीं मार, तू इनको नहीं मार। और खुदावंद ने कहा, नहीं, मैं इनको मार दूंगा। फिर मूसा ने खुदावंद से कहा, प्लीज प्लीज इनके गुनाह को माफ कर दे और इन्हें नहीं मार। बच्चों, आज हमने कलामे मुकद्दस से सीखा कि वो लोग खुदा के बारे में जानते थे, वो जानते थे और उन्होंने खुदा के बड़े बड़े काम और बड़े बड़े मौजजात देखे थे, तो भी उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया और उसकी इबादत की। बच्चों, हमें सिर्फ खुदा की इबादत करनी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है और वो हमारा क्रिएटर है, वो हमारा खालिक है, और हमें सिर्फ उसी की इबादत करनी है। और बच्चों, खुदा तो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, और बहुत बड़े बड़े और अजीब काम करता है हमारी सोच और हमारे ख्याल से बढ़कर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा कुव्वत वाला है और सबसे ज़्यादा ताकत वाला है। और हमने सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत करनी है और सिर्फ उसी को सिजदा करना है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। तो बच्चों, हमने 10 अहकाम भी सीखे। हमने सीखा, पहला हुक्म कहता है कि मैं खुदावन तेरा खुदा हूँ और मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। और दूसरा हुक्म कहता है कि तू अपने लिए कोई तराशी मूरत ना बनाना और किसी तराशी हुई मूरत की इबादत नहीं करना। खुदावन हमारा खुदा सबसे बड़ा है, वो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। हमने उसी की इबादत करनी है और उसी को सिजदा करना है। बच्चों, आज की हिफ्ज़ आयत है खरूज 20 बाब उसकी 4 आयत। खरूज 20 बाब उसकी 4 आयत।
तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। एक बार फिर से, करूज 20 बाब उसकी चार आयत, करूज 20 बाब उसकी चार आयत। तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावंद आसमानी जलाली बाप, तू हमारा खालिक है, तू हमारा मालिक है, तू ही हमारे छुपने की जगह है, तू ही हमारी आस और हमारी उम्मीद है, तू हमारा महकम किला है, तू कुदरत और ताकत वाला खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं। आए बाप, तू हमें से एक एक को फजल दे ताकि हम तेरी ही प्रस्तिश और तेरी ही इबादत करने वाले हों, पूरे दिल से तुझे ए खुदावंद अपना खुदा मानने वाले हों, तेरी हमद और तेरी सना और तेरी सिताइश करने वाले हों। हर रोज़ ए खुदावंद हम अपनी ज़िंदगियों में तुझे अव्वल दर्जा दें, हम अपनी ज़िंदगियों के वसीले से तुझे इज़्ज़त और जलाल बख्शने वाले हों। तेरा रहम तेरा फ़जल हम पर हो, हमारे ख़ानदानों पर हो, जितने बच्चे इस वक्त तेरे कलाम को सीख रहे हैं इन्हें बरकत दे, इनके ख़ानदानों को बरकत दे। और ए खुदावंद आसमानी जलाली बाप, हमारे ख़ानदानों में, हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में तेरा बेटा यीशु इज़्ज़त और जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऊंची लहर हो या तेज हवा, तू ही सुने मेरे दिल की दुआ। जंग छिड़ी हो या बम्ब फटा, तू ही मेरे छिपने की जगह। तूने मुझे है घेर।